कंधा धंधा बनाया यार इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को। पर कोई बात नहीं, मैं बाकियों की तरह तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्टार्ट करते हैं कि भेल के लिए कैसे तैयारी करना। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और बहुत लोग मुझे कब से बोल रहे हैं कि इस पर एक वीडियो बनाओ, लेकिन मैं नहीं बना रहा था क्योंकि इस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम बहुत पास है, तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ स्ट्रैटेजी के लिए कि तुम्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तैयारी करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या है भेल का, क्या सिस्टम है। एक PSU बहुत अच्छा कंपनी है और काफ़ी अच्छा पैकेज वैकेज है इसका, उस सब के बारे में मैं बात कर लूँगा, एक्सप्लेन करूँगा वो सब चीज़ जो तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ जो तुम्हें बस वो PDF पढ़ के भी मिल जाए वैसा चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है बाकी एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ, क्योंकि बस 6 महीना पहले मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ये गेम छोड़ा है। उसके पहले मैं पूरा रेगुलरली पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहा था, 20-30 एग्ज़ाम्स दे दिए मैंने, तो बहुत ही करंट हूँ मैं। और मैं बताऊँगा अगर मैं इस सिचुएशन में रहता, बस 1 साल पहले ही हो सकता था कि 1 साल पहले ये भेल का एग्ज़ाम आता तो मैं भी भर रहा होता। तो तुम्हें बता देता हूँ अगर मैं भर रहा होता तो मेरा स्ट्रैटेजी कैसे रहता। तो भेल एक PSU है, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में ये एंट्री हो रहा है यहाँ पे मेनली, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। मेनली हमें मतलब होता है कि पैसे कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ काफ़ी अच्छा सैलरी है इसका, 60,000 बेसिक है। तो लोग कुछ लोग बेसिक को समझ नहीं पाते। बेसिक सैलरी पे तुम्हारा HRA आता है, उसका कुछ परसेंटेज HRA आएगा, कुछ परसेंट TA आएगा, कुछ परसेंट DA आएगा, डियरनेस अलाउंस, ये सब मिला के ये पहुँच जाता है कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द सिटी 80,000 तक आराम से पहुँच जाता है। तो जैसे मैं तुम्हें बार्क और इसरो का बताऊँ तो उसमें बेसिक 56,000 समथिंग रहता है, वो मुझे भी नहीं पता अपना, मुझे इतना याद नहीं रहता, लेकिन 56,000 समथिंग रहता है। तुम्हारा भेल अभी 60 ऑफर कर रहा है, यानी कि 4,000 मोर, उस पर फिर DA TA लगेगा तो आराम से उसका इंक्रीज़ करेगा। और बाकी जैसे हाईएस्ट इसका ONGC का, उसका भी 60-70 के रेंज में ही रहता है। तो 60,000 तुम्हारा इन हैंड नहीं आएगा, इन हैंड इससे बहुत ज़्यादा रहता है। तो हाँ, ऑब्वियसली ये एक फ़ाइट मारने लायक जॉब है, प्रॉपर PSU है ये, काफ़ी अच्छा टेक्निकल जॉब होता है यहाँ पे। देखो बार्क का इंटरव्यू, इसरो का इंटरव्यू, उसके बाद दो ही आते हैं, एक हैल आता है और एक भेल आता है, जो कि प्योरली टेक्निकल टाइप का इंटरव्यू होता है। थोड़ा बहुत HR के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल डायरेक्शन में जॉब है, तुम्हें अच्छा खासा अपना यूटिलाइजेशन मिलेगा, जो भी तुमने इंजीनियरिंग किया उसे अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो अच्छा जॉब है ये तो श्योर है। अभी बात आता है कि अभी तक बस इसने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मतलब हमें कर रहा है, खुश हो जाओ, क्योंकि गेट बहुत लोगों का ख़राब हो जाता है वो एक दिन का। मैं तो चाहता हूँ सारे PSUs अपना एग्ज़ाम्स करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक दिन का गेम बन गया है, ये गेट का एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो सारे ख़राब हो गए। सीट्स देखा जाए तो जनरल मैकेनिकल में 17 है, बाकी सारे ब्रांचेज में उससे कम ही रहेगा ऑब्वियसली, रिजर्वेशन भारी मात्रा पे, तो तुम जनरल हो तो होता है हमेशा हमारे साथ ऐसे ही, बट कोई बात नहीं। जो भी है देखो सीट क्या है, मैं उस क्यों बोल रहा हूँ सीट के बारे में, क्योंकि सीट 17 ही है, ये सीट बहुत कम होता है। अगर तुम किसी जॉब का बात करो तो ये बहुत ही कम होता है। इसरो जब सिर्फ 30 सीट निकालता है, उस टाइम पे भी हम लोग बोल रहे थे कि यार एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का है। तो 17 सीट बहुत कम होता है, इसीलिए मैं बता दूंगा कि एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना और कितना एफर्ट तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए देना चाहिए। तो फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्योंकि अभी भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ओपन है, 6 मई तक तुम रजिस्टर कर सकते हो और एग्ज़ामिनेशन तुम्हारा 26 या 27 मई को ही हो जाएगा। तो भरे कि नहीं भरे यार, ज़रूर भर दो। पैसा तुम्हारा लेट से 1,000 रुपीज़ भी लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, उसे 1,000 से थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अगर 1,000 रुपीज़ भी लग रहा है तुम्हारा, तो एग्ज़ाम के लिए पैसे का ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि एक एग्ज़ाम है उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम सोचने लगे कि पैसा चला जाएगा तो वैसे नहीं होता। एक फॉर्म भर दो, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब BIRC का तैयारी कर रहा था 2017 में, उस टाइम पे मैंने BEL, YZAC और एक और एग्ज़ाम था CIL, सारे PSUs का फॉर्म भरा था। जितना भी हो सके फॉर्म ज़रूर भरो, उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तुम्हारे आगे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगा। PSUs में तुम्हारे देखो जैसे इसरो PSU नहीं है, बार्क PSU नहीं है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम्स अदर देन गेट जिन पे भरोसा किया जा सकता है वो इसरो और बार्क ही है, एंड ES ऑब्वियसली। बट जितने भी PSUs आते हैं उनका उतना कुछ खास भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोटा सा भी चांस है कि हमें यहाँ पे जॉब मिल जाए और सारा चीज़ सब ढंग से हो और ऑनेस्टली हो और फेयरली हो, तो हाँ उसके लिए तुम ट्राई कर सकते हो, फॉर्म भरो। अच्छा बात है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है तो ऑब्वियसली तुम्हारा गेट जैसा पैटर्न चलेगा और उसके बाद तुम्हें एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम अभी कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। CIL भी कंप्यूटर बेस्ड था, BIRC हर साल कंप्यूटर बेस्ड रहता है, तो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो कम्पीट करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा उसके लिए। अभी आते हैं कि स्ट्रैटेजी,
कैसे पढ़े। तो इसका सिलेबस क्या है किसी को नहीं पता, फालतू का बात मत करना यहाँ पे कि ये सिलेबस है वो सिलेबस है। और PSU का सिलेबस ऐसे भी किसी को पता नहीं होता, जितने लोग भी गैस मार रहे हैं ना सबको मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। गैस करने का कुछ है ही नहीं, तुम अगर सिलेबस मुझे खोल के भी दे दोगे ना ऑफिशियल तो भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि PSU का ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि कोई भी PSU ले लो, ONGC का एग्ज़ाम होता था, NTPC का एग्ज़ाम होता था, और जितने एग्ज़ाम्स मैंने PSU के दिए कोई सिलेबस को कोई मतलब नहीं होता। मैं बताता हूँ सिलेबस क्या होता है, जो भी तुम्हारा टेक्निकल है उससे भारी मात्रा के क्वेश्चन आएंगे, हाई लाइक एटलीस्ट 60% क्वेश्चन आने चाहिए टेक्निकल से, या एटलीस्ट 50%। और उसके बाद तुम्हारा एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सब छोटा छोटा, रेस्ट 50%, मैक्सिमम 50% उससे हट जाएगा। लेकिन क्या है कि जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड ये सब आ भी गया तो इस पर तुम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड तुम्हें लगता है तुम एक महीना में इंक्रीज़ कर लोगे, एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी होता है, वो इंटेलिजेंस होता है, वो सालों में आता है, तो तुम अभी ऐसे अचानक से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली तुमने जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो, लेकिन ऐसा एप्टीट्यूड में उतना फोकस नहीं करना। अब जनरल अवेयरनेस तो इनफाइनाइट है, उसमें तुम ऐसे भी इंजीनियर्स को उतना नहीं आता, तो उसमें टेंशन मत लो कि तुम्हें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, वो हो गया। इंग्लिश मैथ्स क्या करना, जितना पढ़े हो उतना काफ़ी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना बस एक ही जगह है जहाँ टेक्निकल है। तो जहाँ पे टेक्निकल का पार्ट आता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, उसे पक्का कर लो, उसमें अपना एफर्ट दे दो, कॉम्पिटिशन वहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ से तुम्हें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसे पता, अरे कितने सारे PSU एग्जाम हुए, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बैठा हो, देखो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तुम देखो डायनेमिक्स समझो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, ये मैं तुम्हें अच्छा से समझा दे रहा हूँ कि कोई भी PSU हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भेल का कोई बोर्ड होगा जो बैठ के क्वेश्चन हर साल बना रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। हर साल तो गेट से लेता था, तो क्या होता, वो किसी को हायर करेंगे, कोई एक टीम को हायर करेंगे, वो टीम ऐसी ही जनरली कोई कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स रहते हैं, या फिर इवन कभी कभी IIT के प्रोफेसर्स रहते हैं, तो वो लोग बैठ के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेसर्स पहली बार क्वेश्चन बना रहे हैं, वो कब से करते आए, ठीक है। तो जितने भी PSUs हैं ना, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी एक प्रोफेसर जो अभी भेल का एग्ज़ाम बना रहा है उसका हाथ कहीं होगा, इसीलिए तुम देखोगे किसी और PSU का क्वेश्चन कभी कभी कहीं और रिपीट हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। मैं कितने एग्जाम्पल तुम्हें दे सकता हूँ। तो अभी तुम जितने भी PSU का क्वेश्चन पेपर तुम्हें ऑनलाइन मिल सकता है उसे देख लो, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का ये भी नहीं बताया उन्होंने। तो मैक्सिमम तुम इतना बोल सकते हो कि हाँ, अगर PSU का एग्ज़ाम है, सिंपल सा बात है, 1 marks 1 question, ठीक है, और 1 minute टाइम मिलेगा, सीधा सा बात है। ऐसे ही समझ के चलो कि 1 question बनाने का 1 minute टाइम मिलेगा तुम्हें, वो स्पीड तुम्हारा बहुत ही एवरेज है, मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही होता है, PSU का एग्ज़ाम में तो 100% एग्ज़ाम्स में यही होता है। तो इतना दिमाग में रखना, 1 minute 1 question ये स्पीड तुम्हारा रहना चाहिए। ये स्पीड कैसे आएगा, ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब जितने भी PSU के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो ESE से बहुत मैच करते हैं, क्योंकि ESE भी वैसे ही 1 minute 1 mark, ठीक। तो उसके क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। अब कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीरीज लेने का ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत करो। अभी तुम बस अगर सीरियस हो इस एग्ज़ाम के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाओ, अपने टेक्निकल और बहुत हुआ तो एप्टीट्यूड में वर्क करो, उसी से तुम्हारा ये एग्ज़ाम निकलेगा। बाकी सब में एफर्ट देने से अभी कोई फ़ायदा नहीं, 1 महीना में बाकी सब जनरल अवेयरनेस और ये सब में तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। टेक्निकल में तुम अगर एफर्ट दोगे तो तुम्हारा बाकी एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा होगा। बहुत लोग अभी IITs में भी बैठ रहे होंगे, जो भी रिटन टेस्ट उनका हो रहा है, MSRA ये सब का, तो उसमें तुम्हें फ़ायदा होगा। तो क्या है कि तुमने अपना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि तुम अगर ये भेल के लिए अपना IITs या फिर कितने लोग का तो BARC का इंटरव्यू है उसको अगर तुम थोड़ा सा भी उसमें एफर्ट कम करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि PSUs का कोई भरोसा नहीं। ये मैं बहुत क्लियरली तुम्हें अभी बोल दे रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है वाइजैक स्टील का मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था 26 June, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहा था। मैं दोस्त के साथ बोल ही रहा था उसे कि मैं एग्ज़ाम हॉल जाते जाते ना बोल ही रहा था यार PSU का कोई भरोसा नहीं होता, एग्ज़ाम का क्या हो कुछ पता नहीं, और वो एग्ज़ाम में क्या हुआ, वो पेपर ही कैंसिल हो गया। ऐसा बहुत बार होता है, मुझे अभी भी याद है BIS 2018 में ऐसा हुआ था कि मतलब हम लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिए, 6 ही सीट आया है, ठीक, ऐसे ही 1 महीना पहले नोटिफिकेशन आया जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा हुआ। अब क्या एग्ज़ाम कल है और आज रात को नोटिफिकेशन आया 10 बजे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लोग ट्रेन पे बैठे हुए हैं कि हम जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, कल हमें एग्ज़ाम देना है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आधा रास्ते में उन्हें पता चला एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो ये सारे जो अलग से एग्ज़ाम होते हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि अपना बाकी चीज़ जिसका श्योरिटी है, BARC इंटरव्यू तो श्योर है ना, IIT का रिटन टेस्ट तो श्योर है, वहाँ पे हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका एक पैटर्न है वो तुम्हें पता है, इसका कुछ नहीं पता तुम्हें। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्म मत भरो, क्योंकि एग्ज़ाम हो गया तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हाँ अपना बाकी चीज़ को दाव में मत लगा देना। और अगर तुम सीरियस हो तो हाँ प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ऐसा करो कि तुम्हें बाकी गेम्स में भी फ़ायदा हो, तुम जो IITs में बैठो उसमें भी फ़ायदा हो। तो टेक्निकल में फोकस करो ना, वहाँ पे एफर्ट दो, तुम्हें इस एग्ज़ाम भेल में भी फ़ायदा होगा और
तुम्हारा बाकी चीज़ों में भी फ़ायदा होगा। और मैं ये चीज़ अभी से बता दे रहा हूँ, जो भी ये लिख के बैठे हैं ना कि मुझे भेल ही निकालना है, उनका भेल नहीं होगा। जो सबका ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं ना, उसका भेल निकल जाएगा। जो भेल को बिल्कुल प्राइम टारगेट नहीं बनाए हुए, उनका ही भेल निकलेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये सब एग्ज़ाम का कोई सीमा नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई पैटर्न नहीं, तो जिसने ज़्यादा पढ़ाया उसे ही फ़ायदा होगा। समझ में आया? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अपना जो लाइन है, जो डायरेक्शन में तुम काम कर रहे थे, टेक्निकल में वर्क कर रहे थे, उसी में काम करो। बाकी चीज़ में तुम्हें कुछ पता नहीं कहाँ से आएगा, तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आते हैं जिन लोगों ने इसे धंधा बना रखा है। यार मुझे इसके बारे में बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भेल का वीडियो बनाने के पहले मैं भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ देख रहा था। मेरा ऐसा आइडिया था कि अगर मैं दे रहा होता ये एग्ज़ाम, तो मैं कैसे तैयारी करता, कैसे इस पर रिसर्च करता, कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाता। तो मैंने अज्यूम किया अपने आप को कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन जाऊँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहली बात, मैंने गूगल किया ना, तो भेल का ऑफिशियल साइट आया ही नहीं। पहला मुझे लगता है 10 से 12 साइट बस कोई ना कोई वेबसाइट है जो खाली जॉब्स के लिए बना हुआ है और कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है नॉलेज। उसमें घुसोगे तो 50 ऐड दिख जाएंगे तुम्हें, सब्सक्राइब करने बोल देंगे, 50 ऑफ़र, 50 शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स, ये सब आ जाएगा तुम्हारे पास। तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स का, पता नहीं क्या ही धंधा। मतलब यहाँ पे एड्स और ये सब शो करके इतना प्रॉब्लम हो गया ना स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिल ही नहीं रहा और उनका टाइम भी वेस्ट हो जा रहा है और ऊपर से गलत इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है लोगों को। कितने लोग जाके वहाँ पे सिलेबस दे दिए हैं कि भेल का सिलेबस क्या होगा, अरे उन्हें खुद नहीं पता, तुम्हें कहाँ से पता चल गया? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया लोगों को। उसके बाद मैं पहुँचा यूट्यूब में, यूट्यूब में भर भर के ऐसे लोग जो मतलब बस उनका एक ही काम है, जितना भी नोटिफिकेशन आया लोगों को बता दो। वो तो ठीक है तुम नोटिफिकेशन बता रहे हो, अब मैं उसके चैनल में घुसा ना तो उसका वीडियो देखना, तो पहले 5 मिनट तक उसने यही बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, उसके बाद नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है मेरे वेबसाइट का, वहाँ चले जाओ, उसके बाद मेरा फेसबुक पेज है, उसके बाद मेरा इंस्टा पेज है, उसके बाद मेरा टेलीग्राम है, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा कि दुर्गा पूजा का चंदा भी यहाँ दे, तो सभी कुछ ले लो वहाँ पे। पर उसके बाद में इन्फॉर्मेशन बताना, स्टूडेंट के पास बहुत सारा टाइम है, 2 मिनट तक तुम्हारा बकवास ही हम सुनते हैं। तो पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तुम्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, ठीक, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा प्रॉपर सैलरी हर मंथ आ रहा है, मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ पैसों के लिए, इसलिए मैं तुम्हें सॉलिड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे पा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मैं अकेला कर रहा हूँ और कोई भी नहीं है, और प्रॉब्लम तो मैं तो कम से कम मैकेनिकल में हूँ, तो मैकेनिकल के लोगों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्रॉपर सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बाकी फील्ड को भी मुझे ही देखना पड़ रहा है। तुम देखते हो कभी कभी मैं बायो साइंसेस पे वीडियो बना रहा हूँ, केमिस्ट्री पे वीडियो बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, फिजिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनके फील्ड में कोई ऐसा है ही नहीं बैठा हुआ। तो मुझे लगता है कि एक टीम होना चाहिए लोगों का, कि मतलब जो वर्किंग है, क्या प्रॉब्लम है कि जॉब मिलने के बाद ना दो चीज़ होता है, तुम्हें पैसा मिल रहा है तो मोटिवेशन आएगा काम क्यों करे, दूसरा कि ऑलरेडी तुम काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उसमें तुम जो ऑफिस थक के आ रहे हो। अभी कितना बजे है? 7 बजे, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा खासा ग्रुप होता उनका जो जॉब कर रहे हैं और वो ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो बहुत फ़ायदा होता स्टूडेंट्स को, जो मैं करना चाह रहा हूँ अपने दम पे करना चाह रहा हूँ जितना भी कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग मिल नहीं रहे उस टाइप के। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है तो हेल्प करो और मुझे कांटेक्ट दो, और नीचे कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है ये जो सीन बना हुआ है, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स यार 200-300 हज़ार पहुंच गए हैं। मतलब ऐसे वीडियोस इनका कुछ ऐसा कुछ खास देखता नहीं, लेकिन ये कब से कर रहे हैं और यही कर रहे हैं और दिन भर यही कर रहे हैं और बस शेयर कर रहे हैं और बस यही सब चल रहा है इनका। तो मुझे नहीं पता सॉलिड इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल नहीं रहा, तुम क्या सोचते हो इसके? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब से मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम से मैं यही सब नाटक देख रहा हूँ कि मतलब लोग जो जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कुछ टीचर्स, वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए और फिर बस जो कॉलेज में पढ़ाते थे वही यूट्यूब चैनल में पढ़ाने लगे। मतलब कॉन्सेप्ट तो तुमने कॉलेज वालों का बर्बाद कर ही दिया, अब यूट्यूब के थ्रू जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उनका भी बर्बाद कर दो। कभी कोई एग्ज़ाम निकाला नहीं और तुम आज ज्ञान दे रहे हो एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब जो सीन चल रहा है उसके बारे में नीचे कमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि आशीष रंजन गलत बोल रहा है तो उसे भी नीचे लिखो। मुझे पता है मैं बहुत क्रिटिसाइज लेता हूँ, मुझे पता बहुत लोग नफरत करते हैं मुझसे और बहुत लोग पसंद भी करते हैं मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। ऑनलाइन का बस एक ही फ़ायदा है कि मुझे फ्रीडम मिल रहा है सच बोलने का। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करो। और मैं चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही है, ऑलरेडी फील्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और लोगों का इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। यार एक जगह तो मैंने देखा कि यार क्रैश कोर्स बना दिया इन्होंने भेल का एग्ज़ाम के लिए। अभी तुमने क्रैश कोर्स कैसे बना दिया? तुम्हें सिलेबस पता नहीं है, तुम्हें पैटर्न पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तुम क्रैश कोर्स बना दिए लोगों के लिए और उसे खरीद भी लेंगे कुछ लोग। प्रॉब्लम ये है, अपना पैसा बर्बाद करने के लिए रेडी है। यार पिछले बार कितने सारे ऑनलाइन कोर्स थे
मतलब 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार 2-3 सब्जेक्ट का, उनका गेट का कट ऑफ तक नहीं निकला। पैसे तो मिल गए उन्हें, जिन्होंने कोर्स बनाया उन्हें पैसे मिल गए, और अगले साल वही कोर्स पे फिर से पैसे लेंगे वो, लेकिन उनका अभी कट ऑफ भी नहीं निकला, उनका उनको कोई देखने वाला है नहीं। अब वो सोच रहे हैं मेरे से गेट नहीं होगा, मैं एसएससी का तैयारी करने जा रहा हूँ, उस टाइप का हालत हो रहा है। तो ये सब फालतू वेग इन्फॉर्मेशन, और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को धंधा क्यों बनाना यार, ये तो एक एग्ज़ाम है ना। ऑलरेडी ये सिस्टम ख़राब है कि तुम्हें एक एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर गेम खेल के जॉब लेना है, तुम्हें रिसर्च जॉब भी लेना है तो एक पर्टिकुलर वे से तैयारी करना है, इसरो का रिटन टेस्ट निकालना है, अपना स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, ये सब क्यों, रिसर्च करना, रॉकेट बनाना है ना तुम्हें, तो ये ऑलरेडी गलत हो रहा है। उसके बाद कुछ लोग तो इसको पूरा अपना लाइफ टाइम मतलब सैलरी का इनकम बना लिए हैं इसे, तो ये सब चल रहा है, तो मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता, इसलिए मैंने बोल दिया, एंड में बोला ताकि लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट करो और सजेस्ट करो कुछ भी, इसे चेंज करना चाहिए थोड़ा। चलो ओके, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, और मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, मेरे लेक्चर्स जो भी हैं उसमें उनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और तब तक के लिए बाय।